हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं। एक बात हम और कह देते हैं, ये लोग तो कभी किसी को नौकरी उकरी देते नहीं थे, अब आजकल हम इन लोगों को रखे थे, हम तो हटा दिए, बोलते रहता है, कहता साहब हम किए हैं, अरे वो क्या किया बताइए तो, जब आया था तब हम ही बताए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में प्रथम चरण में 4 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब नेता जो हैं वो दूसरे चरण की 5 सीटों को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार पहुंचे थे, जहां पर अपने प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी के लिए वो वोटों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव को जमकर निशाने पर लिया, साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी नहीं छोड़ा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने जनसभाओं में नौकरी देने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर उन्होंने हमला बोला। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है, जो बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी संख्या अधिक है, उसको लेकर भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। के हित में हम लोगों ने काम किया है, इसलिए इन सब चीजों को आप सबको याद रखना है। और जितना सब जो हम लोग काम कर रहे हैं, और आप समझ लीजिए, एक बात हम और कह देते हैं, ये लोग तो कभी किसी को नौकरी उकरी देते नहीं थे, अब आजकल हम इन लोगों को रखे थे, हम तो हटा दिए, आजकल बेटा उसका बोलते रहता है, कहता साहब हम किए हैं, अरे वो क्या किया बताइए तो, जब आया था तब हम ही बताए कि हम लोगों ने 2020 में ये तय किया 7 निश्चय 2, और उसी में हम लोगों ने तय किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उसी पर काम करना शुरू किया। तो आया तो हमने कितने लोगों को दिया, 4 लाख के करीब युवाओं को सरकारी शिक्षा मिल गई, 1 लाख का काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी, और 3 लाख का भी काम शुरू हो गया है। तो हमने जो 10 लाख कहा है, तो आप समझ लीजिए अगले साल तक में 10 लाख हो सकता है, उससे भी ज्यादा होगा। तो उसे भूलते काहे के लिए, जो कुछ नहीं काम किया उसी को करिएगा, अरे हम लोगों के साथ तो पूरा का पूरा काम करना चाहिए, काहे के लिए आप बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ रखे जी। जो भी हम काम किए शुरू से, तो बीजेपी के लोग तो हमारे साथ रहते, और जो भी हमने किया मुसलमानों के हित में कभी विरोध नहीं किया, और बाद में फिर साथ आए थे तो 17 में भी एक जगह कुछ हुआ तो तुरंत हमने पकड़ा, तो एक एक तरह से एक एक काम हम करते रहे, और कहां पर क्या काम नहीं हुआ अब आप समझ लीजिए। और कितना ज्यादा हम कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना शुरू कर दिए भाई, 6 के बाद हम जो देखे, हमने कहा कि लोगों को दिक्कत होती है, तो आप समझ लीजिए जो उस समय लोगों ने दिया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेरा, हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया, और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं, तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। तो अभी आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस तरीके से एक तरफ वो तेजस्वी यादव को नौकरी के क्रेडिट को लेकर घेरते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।